गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र पूनिया विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे अलैंगिक जनन की और हम पहुंच चुके थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कायिक प्रवर्धन की और वहाँ हमने पढ़ा था प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है उसको। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहा था? पादप के जो कायिक भाग हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है आदि से अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप निर्माण की जो क्रिया थी उस क्रिया को हमने क्या कहा था? कायिक प्रवर्धन। यदि प्राकृतिक रूप से इन कायिक भागों से नए पादप का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यदि मानव के हस्तक्षेप द्वारा, यदि मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा पादप के किसी कायिक भाग से अर्थात जड़ से, तने से या पत्ती से नया पादप यदि हम तैयार करते हैं, मनुष्य खुद तैयार करता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और व्यावसायिक दृष्टि से मनुष्य अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को अपनाता है ताकि वह श्रेष्ठ और अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे गुणों वाले पादप क्या कर सके, तैयार कर सके, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो और जिनकी उत्पादक क्षमता क्या हो, उच्च हो, कम समय में आसानी से वो किसी क्षेत्र में क्या कर जाए, वृद्धि कर जाए। इसके लिए मनुष्य कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को क्या करता है, अपनाता है। तो आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ही बात करने वाले हैं। और जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है उसकी अलग अलग क्या है, विधियां हैं, अर्थात पादप के कायिक भागों से हम किस प्रकार से, किस मेथड से, कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनके द्वारा हम उनके कायिक भागों से नया पादप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यहां आपको तीन विधियां बताई गई हैं। एक होती है कर्तन, दूसरी होती है दाब लगाना और तीसरी होती है रोपण। कर्तन कटिंग, दूसरा है दाब लगाना लेयरिंग, तीसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। तो यहां हम इन सभी विधियों की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कर्तन की या कटिंग की। जैसे नाम से स्पष्ट है कटिंग, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कोई पादप है, ये कोई पादप है हमारे पास और इस पादप से हमें नया पादप तैयार करना है जिसके आनुवांशिक जो लक्षण हो वो इसी पादप के समान हो, अर्थात इसी पादप के समान हमें नया पादप क्या करना है, तैयार करना है। तो हम कर्तन में क्या करेंगे, ये जो पुराना पादप है इस पुराने पादप के या तो स्तंभ से या किनसे, जड़ों से, स्तंभ से या जड़ों से नया पादप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो तैयार होने वाला जो पादप है ये कायिक भाग है और इनसे तैयार होने वाला जो पादप होगा वो सेम टू सेम आनुवांशिक गुणों में इस मूल पादप के क्या होगा, समान होगा। अर्थात हमारे पास ये कोई पादप है जिसकी उत्पादक क्षमता अच्छी है और इसी के समान हमें नया क्या तैयार करना है, पौधा तैयार करना है। तो इसके या तो तने से या इसके जड़ों से हम नया पादप तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग में पहला आता है कि डायरेक्ट हम इस पादप के स्तंभ को, स्तंभ का छोटा सा भाग क्या कर ले, काट ले और काट कर इसको कहां मिट्टी में क्या कर दिया, रोप दिया। तो इसकी जो शीर्ष कलिकाएं हैं, यहां जो पर्व संधियों पर पत्तियों के कक्ष में पाई जाती हैं वो प्रस्फुटित होंगी और वो प्रस्फुटित होकर नए पादप का क्या कर लेंगी, निर्माण कर लेंगी। इसी प्रकार हम जो मूल पादप है उसकी जड़ों का जो भाग है उसको काटकर भी उससे नया क्या कर सकते हैं, पौधा तैयार कर सकते हैं। तो कर्तन में यह है,
पुराना जो पादप है जिससे हमें नया पौधा तैयार करना है, इसके स्तंभ को या जड़ों को काटकर मिट्टी में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात उस कटे हुए भाग की शीर्ष कलिकाओं का प्रस्फुटन होगा और नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ जो कर्तन है, कटिंग है, इसकी दो विधियां हैं, दो मेथड हैं। अर्थात या तो हम स्तंभ का कर्तन कर सकते हैं, जैसे हम कहेंगे स्तंभ कर्तन, मतलब तने को काटकर रोप दिया और इस तने को काटे हुए भाग को हमने मिट्टी में क्या कर दिया, लगा दिया। कुछ समय बाद इसी का प्रस्फुटन होगा और इससे नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये तो कहलाएगा स्तंभ कर्तन। और दूसरा होता है मूल कर्तन या रूट कटिंग। इसमें क्या करेंगे, हम जो जड़े हैं उन जड़ों को काटकर मिट्टी में क्या करेंगे, लगाएंगे और जड़ों से जो शीर्ष भाग है, शीर्ष कलिकाएं हैं, उनका प्रस्फुटन होगा और उनके प्रस्फुटन से नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जैसे दोबारा ध्यान दो, स्तंभ कर्तन की बात करें, इसका कोई भी हमने क्या लिया, तना, तने का छोटा सा क्या लिया, टुकड़ा लिया। ये हम बात कर रहे हैं, ये मृदा है, तो मृदा में हम क्या करेंगे, इस तने के कटे हुए भाग को या तो क्या कर देंगे, सीधा लगा देंगे, या इसके लगाने की दूसरी विधि है, मृदा के अंदर इसे आड़ा या क्या लगा सकते हैं, तिरछा लगा सकते हैं, आड़ा या क्या लगा सकते हैं, तिरछा लगा सकते हैं। ये स्तंभ की पारो संधियां हैं। अब क्या होगा, जैसे हमने ऊर्ध्व तने को लगा दिया, सीधा खड़ा लगा दिया मिट्टी के अंतर्गत, तो यहां मिट्टी में लगाने के बाद में इसकी जो पर्व संधियां हैं, यहाँ जो पर्ण कक्ष है, यहाँ की जो कलिकाएं हैं, इनका क्या हो जाएगा, प्रस्फुटन, और यहाँ से अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, अर्थात नया पादप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम जो आड़ी कलम हमने लगाई है या पड़ी हुई कलम हमने लगाई है, जैसे हम बात करें जो गन्ना है ना, गन्ना, गन्ने के अंदर हम गन्ने को आड़ी कलम के रूप में लगाते हैं, या इसका जो स्तंभ है, तना है, वो मिट्टी में आड़ा डाल देते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ की जो पर्वसंधियां हैं, वो पर्वसंधियों की जो उपस्थानिक कलिकाएं हैं, वहां से प्रस्फुटित होंगी और नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से किस किस में हम स्तंभ कर्तन को अपना सकते हैं, जैसे गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, बोगेनविलिया है आदि का जो तने का कटा हुआ भाग है, उसको डायरेक्ट मिट्टी में रोपेंगे और रोपने से नया क्या तैयार हो जाएगा, पादप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग से जो जड़ें हैं वो जल्दी से क्या हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए, जड़ें जल्दी इसमें विकसित हो जाए। इसलिए जो कटा हुआ भाग है, तने का जो कटा हुआ भाग है, इसे हम हार्मोन, पादप हार्मोन ऑक्सिन, कौन सा होता है, ऑक्सिन के घोल में यदि डुबोकर लगाएंगे, तो इसमें जो जड़ें हैं, जड़ों का जो प्रस्फुटन होगा वो जल्दी हो जाएगा। और इसके लिए हम ऑक्सिन के रूप में काम में ले सकते हैं NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड को, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड को, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड को। ये सब के सब क्या है, ऑक्सिन है। तो यहाँ ऑक्सिन के घोल में डुबोकर यदि कटे हुए भाग को लगाएंगे तो उसमें जड़ें जल्दी क्या हो जाएंगी, प्रस्फुटित हो जाएंगी। इसके अलावा हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कर्तन के लिए और कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, जो ये जो कटा हुआ भाग है, इस कर्तन से नए पादप तैयार होने की क्रिया को प्रभावित करती हैं। जैसे
इस मात्र पादप से हम भाग काटेंगे तो इस मात्र पादप की जो आयु है, मात्र पादप की आयु है अर्थात ये कितना पुराना है, इसके अलावा जो हमने भाग काटा है, जो हमने भाग काटा है इसकी हम बात करें मोटाई की, तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है यहाँ पर, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो कलम है इस कलम की जो लंबाई है वो लंबाई जो है वो कितनी है, वो भी नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक पादप का जो प्रकार है, किस टाइप का जो पादप है वो, एक अनुकूल जो मौसम है वो कर्तन से नए पादप निर्माण की क्रिया को प्रभावित करती है। सामान्यतया बसंत ऋतु जो है वो कर्तन से नया पादप तैयार करने के लिए अनुकूल क्या मानी जाती है, ऋतु मानी जाती है। और उस समय के अंतर्गत यदि हम यहाँ किसी तने के भाग को काट कर लगाएंगे तो वह अच्छे से वृद्धि करके नया पादप का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। क्लियर। तो यहाँ स्तंभ जो कर्तन है वो कंप्लीट। दूसरा अपना आता है मूल कर्तन। तो मूल कर्तन में यह है कि यहाँ स्तंभ की बजाय किनको काट कर लगा देंगे, जड़ें जो हैं, जड़ों को काट कर जड़ों को भी मृदा में उर्दू स्थिति में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। उर्दू स्थिति में क्या कर दिया, लगा दिया जाता है। और कुछ समय बाद में इनकी जो शीर्ष कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित होंगी और वो प्रस्फुटित होकर नए पादप का क्या कर लेंगी, निर्माण कर लेंगी। जैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है आदि जो पादप हैं उनमें जो मूल है, जड़ है, उस जड़ वाले भाग को काट कर यदि लगाएंगे तो उससे अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये अपना फर्स्ट जो टॉपिक था कर्तन। तो कर्तन में हमने बात की मूल जो पादप है उससे नया पादप तैयार करने के लिए इसका जो स्तंभ है वो या इसकी जो जड़ है उसको काट कर मिट्टी में लगा देते हैं और लगाने के बाद में उसमें जड़ें प्रस्फुटित होंगी, उससे पर्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। अगला नेक्स्ट हम बात करें दाब लगाना या स्थरण या लेयरिंग की। तो दाब लगाना या लेयरिंग में क्या होता है, कर्तन में तो हमने क्या किया, जो पादप का भाग था उस पादप भाग को पहले काटा, काटने के बाद में उसको मिट्टी में लगाया और बाद में उसमें जड़ें क्या हुई, प्रस्फुटित हुई। लेकिन दाब लगाने में ऐसा नहीं होता है, पादप पर रहते हुए ही किसी भी जो तना है उस तने में पहले ही जड़ें प्रस्फुटित करवाई जाती हैं और फिर उसको पादप से अलग करके मिट्टी में क्या करते हैं, लगाते हैं या रोपित किया जाता है। इसकी दो विधियां हैं, दो मेथड है। एक आता है टीला दाब और दूसरा आता है वायुदाब। टीला दाब माउंड लेयरिंग। और ये विधि किन किन पौधों में काम में लेंगे, तो एक तो आता है मोगरा और एक आती है चमेली। ध्यान दो, टीला दाब ऐसे पौधों में उपयुक्त है, काम में ली जा सकती है जिनके जो तने हैं वो लचीले होते हैं, जिनकी लंबाई अधिक नहीं होती है, जिनकी शाखाओं को हम झुकाकर मिट्टी तक आसानी से ला सकते हैं। तो इन पौधों में क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, हम बात करते हैं जैसे मोगरा है, मोगरा, मोगरे की बात करते हैं। ये कोई मोगरे का पादप है और इसी की एक जो शाखा थी इस शाखा को हमने क्या कर लिया, झुका लिया और शाखा को झुकाकर थोड़ा सा हमने इसको मिट्टी में क्या कर दिया, रोपित कर दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। ये शाखा थी, इसको यहाँ मृदा में थोड़ा सा क्या कर दिया, दबा दिया, अर्थात नाम से स्पष्ट है टीला दाब। तो मिट्टी का हमने क्या बना दिया, इसके ऊपर टीला बना दिया, ये पूरी की पूरी मिट्टी से क्या हो गई, दब गई, मृदा का टीला। अब
इस शाखा को दबाया तो इसकी दो तीन पर्व संधियां यहां मिट्टी में दबी हुई होनी चाहिए। इस शाखा की एक या दो पर्व संधियां मृदा में क्या होनी चाहिए, दबी हुई होनी चाहिए। मतलब पर्व संधियों युक्त भाग को मिट्टी में क्या कर दिया, दबा दिया, और इसका जो शीर्ष भाग था ऐसे ये वायुवीय है, इसको वायु में मुक्त किया है, इसको दबाया नहीं, इसको बाहर निकाल दिया है। अब क्या करते हैं, ये जो मृदा है मृदा से दबाया, इस मिट्टी को यहाँ हम क्या करते हैं, नम बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि इसकी पर्व संधियों वाले भाग से अपस्थानिक क्या बन गई, अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो पद पर रहते हुए ही, पहले काटा थोड़ी है, तने को हमने काटा नहीं है, पादप पर लगे लगे ही पहले जो भाग था, इसकी जो शाखा थी, उस शाखा में हमने पहले क्या प्रस्फुटित करवाई, जड़े। और जब जड़े प्रस्फुटित हो जाएंगी तब हम इस टहनी को या इस शाखा को यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे, और काट कर ये जो पूरा का पूरा भाग है मृदा सहित, इसको दूसरे स्थान पर क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे, और उससे नया जो पौधा है, नया जो पादप है, वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा आता है वायु दाब या गुट्टी दाब, गुट्टी लगाना, एयर लेयरिंग। इसमें हम देखें तो एयर लेयरिंग में क्या होगा, ऐसे पादप जिनके जो तने हैं वो दृढ़ हैं, मजबूत हैं, जिनकी शाखाओं को झुका पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आम की बात करें तो आम की जो शाखाएं हैं वो दृढ़ हैं, इनको झुका पाना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे आम का ये पादप देखें, तो इसमें जैसे इसकी ये जो शाखा है इसको झुका पाना संभव नहीं है, ये दृढ़ है। तो हम क्या करेंगे, इस शाखा को काटने से पहले, अर्थात इस टहनी से, इस शाखा से हमें नया पौधा तैयार करना है, तो इसको काटने से पहले इसमें जड़ें क्या की जाती हैं, प्रस्फुटित करवाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो शाखा है इसकी ऊपरी छाल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ताकि जड़ें प्रस्फुटित हो जाएं। अब इनके ऊपर यहाँ हम रुई या कपड़ा या कुछ मोस लपेट देते हैं ताकि ये नम बनी रहे। इसको और नम बनाने के लिए, इसको और नम बनाने के लिए इसकी ऊपरी जो शाखा है यहाँ हम जल से भरा हुआ कोई भी पात्र क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और इसमें बारीक क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जिससे यहाँ नीचे क्या गिरता रहता है, जल बूंद बूंद के रूप में गिरता रहेगा, जिससे ये नम बनी हुई रहेगी। अब कुछ समय पश्चात क्या होगा, जब ये नम बनी रहती है तो दो चार सप्ताह बाद में यहाँ से अपस्थानिक क्या निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित हो जाएंगी, और जैसे ही जड़ें प्रस्फुटित हो जाएंगी इस भाग को यहाँ से काट लिया जाएगा और इसे अन्यत्र स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा या रोपित कर दिया जाएगा। तो नया पादप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे ये उच्च उत्पादन वाला आम का कोई पादप है, यदि इसकी गुट्टी से नया पौधा तैयार करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसकी उत्पादक क्षमता इसके समान हो। तो इसके कायिक भाग से यदि हम नया पादप लगाएंगे तो उसकी उत्पादक जो क्षमता होगी वो इसके क्या होगी, समान होगी। क्लियर। तो यहाँ तक कंप्लीट हमारा, टीलादाब और वायुदाब या गुट्टी लगाना। गुट्टी क्यों कहा, ये जो भाग है जहाँ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मोस या कपड़ा या आदि लपेट दिया, इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। इसलिए इस विधि को हम क्या कहेंगे, गुट्टी लगाना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दाब लगाने की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट। यहाँ नेक्स्ट आता है रोपण। रोपण क्या है,
रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग में यह है कि दो अलग अलग पादप भागों को, दो अलग अलग पादप भागों को जोड़कर एक ही पादप का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से अधिक उत्पादक क्षमता वाला पादप तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे हम कलमी आम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कलमी क्या बनाते हैं, आम बनाते हैं, ग्राफ मैंगो बनाते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं जिसमें एक तो होता है कलम और एक होता है स्कंद। यहां जो कलम है, इस कलम वाले भाग के अंतर्गत या जो कलम है और एक भाग है स्कंद। कलम की हम बात करें, कलमी आम तैयार करने के लिए हम दो अलग अलग पौधों के भाग लिए, जिसमें एक को कह रहे हैं कलम और दूसरे को कह रहे हैं स्कंद, दूसरे को कह रहे हैं स्कंद। जैसे ये कोई पादप है, ये कोई आम का पादप है, ठीक है। जैसे ये दशहरी आम है जिसकी उत्पादक क्षमता अधिक है। दशहरी क्या है, आम, उत्पादक क्षमता इसकी क्या है, अधिक है। अधिक आम इससे हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और दूसरा हम बात करें, दूसरा हमारे पास है देसी आम। कौन सा है, देसी आम, और इसकी उत्पादक क्षमता नहीं है लेकिन इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो हम इन दोनों को मिलाकर ऐसा आम का पादप तैयार कर सकते हैं, ऐसा कलमी आम बना सकते हैं जिसकी उत्पादक क्षमता भी ज्यादा होगी और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होगी। अब यहाँ जो हम दशहरी आम का निर्माण करें, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो देसी आम है, इसके भाग को तो हम जड़ों युक्त, तो इसका जो भाग है इसको तो हम काम में लेते हैं, इसका जो भाग है वो आधार का काम करेगा, जिसे हम कहते हैं स्कंद। क्या कहते हैं, स्कंद, अर्थात इसके ऊपर के भाग को काट कर क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसका आधारीय भाग हम लेंगे और इसके ऊपर दूसरे अर्थात दशहरी आम की क्या लगाएंगे, कलम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कलम, अर्थात टहनी लगाएंगे इसी के बराबर मोटाई की। जैसे ऐसे ही हमने इस दशहरी आम की टहनी को काटा और काटकर इसको इसके ऊपर हमने क्या करना है, लगाना है। तो इसके ऊपर हम काटकर इसको क्या करेंगे, एज इट इज पोजिशन में काटेंगे और लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ दोनों को क्या कर देंगे, बांध देंगे। तो ऊपर जो भाग हमने लगाया है वो भाग तो कहलाएगा कलम, वो भाग तो क्या कहलाएगा, कलम। और जो आधारीय भाग हमने लिया है वो आधारीय भाग क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा। अब जो उत्पादक क्षमता में आदि में जो लक्षण होंगे वो जो जिस भाग का, जिस पादप की हमने कलम लगाई है उसी के समान होंगी, अर्थात उत्पादक क्षमता किसके समान होंगी, दशहरी आम के समान। तो कलम रोपण या ग्राफ्टिंग किसे काम ने, दो अलग अलग पादप भागों को जोड़कर या दो अलग अलग पादपों भागों को जोड़कर श्रेष्ठ क्या तैयार करना, पादप तैयार करना क्या कहलाएगा, कलम रोपण या क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा। जिसमें एक जो आधारीय भाग होता है वो आधारीय जो भाग होगा, आधारीय भाग जो होगा वो आधारीय भाग तो यहाँ क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा, जिसे स्कंद कहेंगे। और दूसरा जो शीर्ष भाग है वो शीर्ष भाग यहाँ का क्या कहलाएगा, कलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कलम कहलाएगा। यहाँ जो कलम है इसे हम कह सकते हैं सियोन। क्या कह सकते हैं, सियोन, सियोन भी कह सकते हैं। और जो स्कंद है ये वाला भाग, स्कंद, इसे हम स्टॉक, स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। तो नीचे रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला
जो आधारीय भाग है वो आधारीय भाग क्या कहलाएगा? स्कंद। और जो शीर्ष पर हमने लगाई जो टहनी जो कलम लगाई वो क्या कहलाएगा? यहाँ वो कलम कहलाएगी। और कलम और स्कंद दोनों को जोड़ दिया यहाँ, ये विधि जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहेंगे? कलम रोपण कहेंगे। और इसके द्वारा ग्राफ जो पादप है वो तैयार करते हैं। जैसे कलमी आम तैयार करने के लिए कलम लगाएंगे, तो कलम तो हमने लगाई किसकी? दशहरी आम की। ऊपरी भाग तो दशहरी आम का, और नीचे वाला जो लगाया हम वो लगा सकते हैं देसी आम का। किसका लगा सकते हैं? देसी आम का भाग लगा सकते हैं। किसका लगा सकते हैं? देसी आम का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, इसकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा है, दोनों को मिलाकर ग्राफ ग्राफ जो पादप तैयार हुआ आम का वह क्या कहलाएगा? कलमी आम कहलाएगा, ग्राफ पादप कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी? ग्राफ्टिंग कहलाएगी, जिसमें अलग अलग पादप भागों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। क्लियर। अब पादप भागों को मतलब कलम को और स्कंद को, कलम को और स्कंद को, ये जैसे है कलम और ये नीचे वाली है स्कंद, इन दोनों को कैसे जोड़ा, किस प्रकार से जोड़ा? उस जोड़ने के आधार पर, उस जोड़ने के आधार पर यहां हम बात करें तो जो इसकी विधियां हैं किसकी? रोपण की। वो अलग अलग विधियां हैं, यहाँ चार मेथड की बात करेंगे हम, चार विधियों की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है जीभी रोपण या विप रोपण, विप ग्राफ्टिंग। दूसरा आता है फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग। तीसरा आता है किरीट या मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथा आता है कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करें किसकी? जीभी रोपण की या विप रोपण की। तो जीभी रोपण में या विप रोपण में क्या करेंगे? जैसे हमारे पास ये भाग है स्कंद, क्या है? स्कंद है, क्या रहा है? स्कंद। और इस स्कंद में हमें चीरा लगाना है ताकि क्या हो सके? कलम इसमें क्या हो सके? फिट हो सके। जैसे हमने कलम को और स्कंद को क्या किया? लियार। ऐसे यदि बांधेंगे तो ये ऐसे बंधना पॉसिबल नहीं है। यदि हम इन दोनों को इस प्रकार से काटें ताकि ये आपस में क्या हो जाएं? जुड़ जाएं, मैच हो जाएं। मतलब दोनों का जो स्कंद और कलम जो दोनों हैं, इन दोनों का जो संवयन बंडल है, संवयन जो ऊतक है, वो आपस में क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। उसके बाद में उनमें विभाजन की क्षमता होनी चाहिए ताकि दोनों के संवयन जो बंडल हैं वो आपस में जुड़ जाएं और जो कलम है उस तक पोषक तत्व पहुंच सके और उसकी क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो इसके लिए स्कंद जो होगा, इस स्कंद में हम चीरा लगाते हैं और चीरा हमने लगा दिया, इसमें वेज ग्राफ्टिंग, वो जीभी रोपण या वेज ग्राफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वेज ग्राफ्टिंग में हमने डब्लू आकार का क्या लगाया? चीरा लगाया ऐसे, किसमें? स्कंद में। अब इसी के समान जो अपनी क्या है, जो अपनी कलम है ना कलम, उसमें भी इसी के समान क्या लगाएंगे? चीरा लगाएंगे। एक चीज यहां ध्यान रखना, जो जीभी रोपण है, वेज जो ग्राफ्टिंग है, उसमें कलम की और स्कंद की दोनों का व्यास क्या होता है? समान। दोनों की मोटाई क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ ये कलम है, देखो इसमें भी इसी प्रकार का चीरा लगाया हमने ताकि ये यहाँ आसानी से क्या हो गई? फिट हो गई। अब क्या कर देंगे हम इन दोनों को? क्या कर देंगे? कसकर क्या कर देंगे? बांध देंगे। ठीक है, और बाहर वेसलीन वगैरह लगा देंगे ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होगी, यहाँ संक्रमण होने का खतरा नहीं रहेगा। कुछ समय पश्चात जब दोनों के संवयन मंडल जुड़ जाएंगे तो ग्राफ्टिंग सफल हो जाएगी और जो कलम है उसकी वृद्धि होगी। इस प्रकार से नया जो पादप है वो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो जड़ों वाला नीचे का जो आधारीय भाग है, उस आधारीय भाग को तो हमने क्या कहा है? स्कंद। और इसके ऊपर जो लगाया है वो क्या कहलाता है?
कलम, और ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कलम रोपण कहेंगे। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ा, जोड़ने के आधार पर ये अलग अलग है। पहला हमने बात कर ली जीबी रोपण विप रोपण की, दूसरा हम बात करेंगे पच्छर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग की। पच्छर रोप दें, ठीक है, पच्छर कैसे रोप दें, ध्यान दो, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हमारे पास ये स्कंद है और इसके ऊपर हम कलम लगाएंगे। तो जो स्कंद है, इस स्कंद में, इस स्कंद में हम चीरा लगाते हैं, इस स्कंद में हम चीरा लगाते हैं वी आकार का। कैसा, वी आकार का, वी आकार का चीरा लगाया। और जो कलम है इसमें, इसके समान हम वेज आकार का क्या लगाएंगे, सॉरी, इसी के समान, इसी के विपरीत इस प्रकार से चीरा लगाएंगे कि ये आसानी से आकर इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए ऐसे। तो ये क्या है, कलम है। अब इनको क्या कर देंगे, बांध देंगे, इनके समन्वय मंडल जुड़ जाएंगे और अपना जो कलम रोपण की प्रक्रिया है वो सफल हो जाएगी और नया पादप विकसित हो जाएगा, जो ग्राफ पादप तैयार होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें किरीट या मुकुट रोपण की। किरीट या मुकुट रोपण में ऐसा नहीं है कि स्कंद और कलम दोनों की मोटाई क्या हो, समान हो। तो यहां किरीट रोपण में स्कंद जो है ना, स्कंद, इस स्कंद की मोटाई अधिक होती है कई गुना, और इसके ऊपर खूब सारी क्या लगाई जाती हैं, कलम लगाई जाती हैं, खूब सारी क्या लगाई जाती हैं, कलम लगाई जाती हैं ऐसे। तो समान मोटाई के नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, किरीट या मुकुट रोपण कहलाएगा, जिसमें जो कलम है उनका व्यास कम है, स्कंद का व्यास अधिक है, एक ही स्कंद पर खूब सारी क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। तो उस जो प्रक्रिया है उसे हम किरीट या मुकुट रोपण कहेंगे। चौथा जो अपना मेथड आता है, चौथा मेथड है कलिका रोपण। कलिका रोपण में यह है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास स्कंद है, क्या है, स्कंद है, तो इस स्कंद की जो छाल है, इस स्कंद की छाल में टी आकार का क्या लगा देते हैं, हम चीरा लगा देते हैं। स्कंद की छाल में टी आकार का क्या लगा दिया, चीरा, और इसी में हम किसी भी पादप की जो कलिका है उसको ला कर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं ऐसे। तो ये जो विधि है ये कहलाएगी कलिका रोपण। ठीक है, तो कलिका को लगा दिया छाल में, किसमें लगा दिया, छाल में, छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं, उसमें किसी भी पादप की, अच्छे उत्पादक क्षमता वाले पादप की कलिका को लाकर क्या कर दिया, लगा दिया, रोप दिया। तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। तो यहाँ आज का अपना जो टॉपिक था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कंप्लीट हुआ और अपना ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। इसी लेसन में हम आगे बात करें कि जो कायिक प्रवर्धन है, इस कायिक प्रवर्धन का क्या लाभ है या क्या महत्व है। तो पहली चीज तो ऐसे पादप जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती या जिनके जो बीज हैं वो जननक्षम नहीं होते, उन पौधों से, उन जो पौधे हैं उनके बीज जननक्षम नहीं है या बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा हम उनसे नए पादप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे केला है, इसी प्रकार दूब घास आदि में इनके जो बीज हैं इनकी अंकुरण की इतनी क्षमता नहीं होती, तो हम इनके भी कायिक जो भाग हैं उनसे नए पादप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें सेम टू सेम हमें नया पादप तैयार करना है, बीज से उत्पन्न जो पादप होगा, क्योंकि वहां अर्धसूत्री विभाजन आदि की प्रक्रिया होगी, वो एक प्रकार का लैंगिक जनन है, और उसमें जो नई संतति बनेगी उसमें कुछ क्या आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी, वो सेम टू सेम जनक पादप के क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। तो हमें कोई ऐसा पादप तैयार करना है जो पुराने पादप के समान, जिसकी उत्पादक क्षमता हो। तो
वहां कौन सी विधि काम में लेंगे, कायिक प्रवर्धन। इसके अलावा श्रेष्ठ लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रखना है, उसके लिए हम किसको काम में लेंगे, कायिक प्रवर्धन को काम में लेंगे। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन द्वारा जो तैयार पादप है वो कम समय में अच्छी क्या कर जाता है, वृद्धि कर जाता है। तो कम समय में हमें नया पादप तैयार करना है तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे, कायिक प्रवर्धन को काम में लेंगे। इसके अलावा हम देखें कि जहां बीज द्वारा नया पादप तैयार करना पॉसिबल नहीं है वहां हम कायिक प्रवर्धन द्वारा नया पादप तैयार कर सकते हैं। कम समय में किसी वीरान जो क्षेत्र है उसको हम क्या कर सकते हैं, हरा भरा बना सकते हैं। तो ये सबके सब कायिक प्रवर्धन के क्या हैं, महत्व हैं। इन सब के लिए हम कायिक प्रवर्धन को क्या करते हैं, अपनाते हैं या काम में लेते हैं। तो क्लियर, बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।